टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, ये कोई रिजिड बॉडी है रेंडम शेप की, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं कह रहा हूँ उसको कोई भी एक पॉइंट पर उसको हिंज कर दो और इक्विलिब्रियम आने दो उसका। ऐसे करोगे तो एकदम से ये तो नहीं तुरंत इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक बार छोड़ोगे आप थोड़ा देर हिलेगी फिर ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है ना? तो इस तरह से ए पॉइंट पर आपने वर्टिकल वॉल है आपकी, वहां पर एक कील लगा के ऐसी बॉडी लगा दी है, और आप ऐसे इसको घुमाओगे तो ऐसे ऐसे घूमेगी, और रोक दोगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो जब ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी आप क्या करोगे, इससे एक लाइन खींच लो इस तरीके, इस तरह से एक लाइन खींच लो इस, ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरी तरह की एम जी पक्का इस लाइन के किसी पॉइंट पे लाई करेगा। एम जी जो फोर्स है वो इधर नहीं हो सकता कहीं पे भी, या इधर नहीं हो सकता। एम जी आपका इसी लाइन पे किसी पॉइंट पर एम जी लगाना पड़ेगा, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर होना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है। ये बात आती है क्या समझ में? क्योंकि कहीं और अगर एम जी लगाओगे तो बेटा इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता ना, इस पॉइंट के अबाउट करो, इस पॉइंट के अलावा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, हिंज फोर्सेज यहीं पे हैं, और हिंज फोर्सेस का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 है, इस पॉइंट के अबाउट कोई हिंज फोर्स का टॉर्क थोड़ी नहीं आएगा, हिंज फोर्स भी वहीं से पास हो रहे हैं ना, और एम जी मान लो दूर है इससे कहीं पे, यहाँ पे, तो यहाँ पर एम जी ये देखो टॉर्क दे देगा, तो ऐसे इक्विलिब्रियम पे ही नहीं रह पाएगी। इसके इक्विलिब्रियम रहने की एक ही कंडीशन है कि एम जी पक्का इस लाइन पे कहीं होगा जिससे उस एम जी का इसके अबाउट टॉर्क 0 हो जाए। गुड तान्या, गुड। बाकी लोगों के भी आगे के बेटा समझ में बात जो मैं कह रहा हूँ कि मैं गारंटी से बोल सकता हूँ अगर ये रिजिड बॉडी इस तरह से इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एम जी कहीं और से पास हो जाए। एम जी इसी लाइन से पास होगा तभी इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा, नहीं घूम नहीं जाएगी बेटा, ऐसे कैसे रुक सकती है? एम जी यहाँ पे लग रहा है तो उसका टॉर्क नहीं आ रहा क्या? तो ऐसे कैसे इक्विलिब्रियम आप छोड़ोगे, वापस ही हिलनी चाहिए वहां से, जब ये रुकी हुई है अपने आप, तो इसका मतलब एम जी इसी लाइन पे। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। एक लाइन मिल गई, एम जी 100% इसी लाइन पर होना चाहिए, फिर क्या दिक्कत है? दूसरे पॉइंट से ले दो आप, दूसरे पॉइंट पर इसको हिंज कर दो, इसको उल्टा करके सी पॉइंट पे लगा दो, देखो सी पॉइंट पे लगा दिया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं। अब बोलोगे इस पर इक्विलिब्रियम माने दो, तो फिर वहां एक लाइन खींच लो, तो ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर भी होना चाहिए, इस लाइन पर भी होना चाहिए, मतलब कहा उनके इंटरसेक्शन पे, तो वो इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी, ठीक है ना? जैसे ये हिंज रॉड है, देखो एक बार एग्जाम्पल, ये हिंज रॉड है, यहाँ पर आप इसको ऐसे टिल्ट करके छोड़ोगे वर्टिकली तो यहाँ रुकेगी थोड़ी नहीं, एम जी की वजह से डिस्प्लेस हो जाएगी। एम जी कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे लगेगा रॉड के। ठीक है, तो आपका सी डी इन एक्स पोजिशन, सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन सी डी, हेंस इंटरसेक्शन पॉइंट ओ विल बी सेंटर ऑफ मास। तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट किसी को, जिसको ये समझ में आया वही नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। पहले यहां तक की बता दीजिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी तरह का आप लोगों को?